अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अल्फा एडी सिक्योरिटीज, वन ऑफ पाकिस्तान लीडिंग स्टॉक ब्रोकरेज फर्म्स। मैं हूं शुजा कुरैशी मार्केट रैप के साथ। तो आज हमने देखा कि सेलिंग प्रेशर हमको नजर आया मार्केट में, और MSCI की रीक्लासिफिकेशन के बाद हमने उन स्टॉक्स में मंदी देखी या सेलिंग प्रेशर देखा जो ऑफकोर्स हमारी इस वक्त जो करंटली इमर्जिंग मार्केट्स में जो चार टॉप के स्टॉक्स थे। अच्छा, उसमें ज़ाहिर है कि लकी में सबसे ज़्यादा सेलिंग नज़र आई है, फिर OGDC में और बाकी HBO और MCB में हार्डली हमने वॉल्यूम्स भी देखे और ना ही ज़्यादा प्राइस नीचे गई है। तो मेजॉरिटी जो हमने इंडेक्स के इतने पॉइंट्स नीचे जाते हमें देखे हैं वो लकी सीमेंट के हैं और OGDC के हैं और PPL के हैं। सो बाकी अगर देखें मार्केट ऑटो सेक्टर प्रेशर में था, होंडा कार नीचे पे लॉक पे हिट हुआ कोई दो दफ़ा तीन दफ़ा, और लेकिन बिल्कुल लास्ट सेकंड्स में जब मार्केट बंद होने वाली थी किसी ने 298 तो उसका नीचे का लॉक था होंडा कार का 284.40 का, और जब मैंने देखा था उस वक्त बिल्कुल आखिरी मिनट्स में 285-286 पे ट्रेड हो रहा था। फिर लास्ट ट्रेड जब मार्केट बंद हुई तो 298 पे तक किसी ने फ्रॉम 286 टू 298 तक जितने शेयर्स थे वो उठा लिए। वॉल्यूम्स काफ़ी हुए हैं, कोई 1.5 मिलियन शेयर ट्रेड हुए हैं होंडा कार में। ऑटोज प्रेशर में हमको नज़र आ रही है पिछले दो दिन से, और सीमेंट सेक्टर है, मैंने ये पहले ही मेंशन किया था। तो ऑटो का तो यही है कि जी कंसर्न जो आ रहा है कि वो चिप की अवेलेबिलिटी नहीं है, और जब सुजुकी की खबर आई थी कि उन्होंने कल्टस की बुकिंग इसलिए रोक दी है। वी हैव नॉट हर्ड एनीथिंग फ्रॉम होंडा, बट चूँकि सेंटिमेंट बड़ा नेगेटिव है और उस दिन खबरें आ रही हैं तो हमने होंडा में भी सेलिंग प्रेशर देखा। मैं एट द सेम टाइम मैंने कहा दो दफ़ा नीचे का लॉक हिट हुआ कोई सेल कर रहा है आई डोंट नो, और लेकिन बायर्स भी थे, और सेकेंड जब लॉक लगा था तो उस वक्त तो आई थिंक कोई 1.25 लाख शेयर्स का सेलर आ गया था, बट वो 1.25 लाख शेयर्स भी उठ गए। पहले बारी में कोई 72,000-74,000 सेलर था वो भी उठ गए थे शेयर्स नीचे के लॉक पे। तो ज़ाहिर है कि अब प्राइस टूटी इतनी जल्दी से है, इतनी तेज़ी से टूटी है प्राइसेस के अब एक पुल बैक आ सकता है। बट ये सेलिंग प्रेशर है तो किस वजह से है ये भी आपको देखना पड़ेगा। क्या किसी के पास इंफॉर्मेशन है कि शायद होंडा को भी कुछ इश्यूज हो रहे हैं एज फार एज सिक्योरिंग पार्ट्स इज कंसर्न, स्पेशली चिप जो जिसकी शॉर्टेज कहा जा रहा है नजर आ रही है। सो एनीवे, सो सीमेंट्स भी प्रेशर में थे, लकी सीमेंट काफ़ी प्रेशर में था, OGDC भी काफ़ी प्रेशर में हमने देखा उसको। और अगर मैं अच्छा पहले इंडेक्स लेवल्स की बात कर लेते हैं। सो इंडेक्स हमने देखा है कि आज 333 पॉइंट्स नीचे बंद हुआ है KSE 100 46,396 पे, तो वेरी क्लोज टू द सपोर्ट लेवल ऑफ 46,400। लो बना था 310 का, 46,310 का लो बना था, वहां से मार्केट रिबाउंड हुई ओके अबाउट 90 पॉइंट्स अपने लो से ऊपर जो है इसने क्लोजिंग दिखाई है। अच्छा वॉल्यूम्स अगर देखें तो 143.5 मिलियन शेयर्स के रहे, तो स्लाइटली बेटर देन जो कल के वॉल्यूम्स थे, और हाई आज का होना था 46,875 का, तो 46,900 के पास वापस आके मार्केट नीचे स्लिप हो गई। ओके, सो मैं आपको बता रहा था कि लकी बंद हुए 31 रुपीज़ 43 पैसा डाउन, ठीक है जी। तो इसके बहुत पॉइंट्स हैं, 773.93 पे 771.20 का लो बना था, एंड अगर हम OGDC की बात करें तो लेट्स सी, हाँ OGDC कोई 2.40 रुपए नीचे बंद हुआ है 88.12 पे। सो इसलिए हमने देखा है कि ये पॉइंट्स काफ़ी हमको नज़र आ रहे हैं जो सेलिंग प्रेशर आया है। बट एट द सेम टाइम कुछ स्टॉक्स बिल्कुल मार्केट की डायरेक्शन के ऑपोजिट मूव करते हुए नजर आए हैं। टेलीकार्ड अपने ऊपर के लॉक पे हिट हुआ, TPL भी कल भी ऊपर के लॉक पे था, आज भी ऊपर के लॉक पे बंद हुआ, TPL में हमने तेजी देखी, AGP ऊपर के लॉक पे बंद हुआ। सो और अगेन रिफाइनरीज में हमने नेशनल रिफाइनरी को नीचे क्लोज होते हुए देखा है, कल तो पॉजिटिव हुआ था, अटल रिफाइनरी थोड़ा सा पॉजिटिव बंद हुआ है, और थोड़े थोड़े नेगेटिव अगेन बाइको एंड हमको पासन रिफाइनरी नजर आए हैं। सो स्टील के स्टॉक्स में भी आई थिंक थोड़ी मिला जुला रुझान था, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम्स के साथ नीचे नहीं स्टील के स्टॉक्स आए हैं। सो और अगेन टेक्सटाइल्स में एट वन पॉइंट इन टाइम मैंने देखा था कि निशात में तो प्लस ही 1 रुपये से ज़्यादा प्लस ट्रेड कर रहा था, एंड प्लस ही बंद हुआ है, 48 पैसा प्लस बंद हुआ है 95.95 पे, और 96.89 का इसने हाई भी टच किया था। सो आई थिंक जो सेलिंग प्रेशर है वो रिस्ट्रिक्टेड है टूवर्ड्स दोज, और फिर सेंटिमेंट्स थोड़ा नेगेटिव हो जाता है
बट ये हमारी मार्केट की शार्पनेस है कि जी दो तीन स्टॉक्स जो MSCI की रिक्लासिफिकेशन होने के बाद उसमें सेलिंग आई है, तो जी पूरी मार्केट ही नीचे आ जाती है। तो इस तरह से जो अगर हाईली डेवलप्ड मार्केट होती तो उसमें ऐसा नहीं होता, बट खैर दैट्स व्हाट हाउ मार्केट वर्क्स। सो आई थिंक अभी मैंने ऑयल प्राइसेस देखी हैं तो अगेन वो शूट अप कर गई हैं, $72.50 पे वापस आ गई है ऑयल प्राइस, जो सुबह 72 से नीचे ट्रेड कर रही थी। तालिबान की जो कल गवर्नमेंट का अनाउंस हुआ है तो उसमें EU का स्टेटमेंट ऑलरेडी आ गया है, वो एक अच्छा पॉजिटिव स्टेटमेंट नहीं है। उन्होंने कहा कि वो नहीं समझते कि ये जो इंटरिम गवर्नमेंट बनी है वो इंक्लूसिव है और रिप्रेजेंटेटिव है, तो ये एक सेटबैक है आई थिंक तालिबान के लिए भी होगा। तो जैसे लेकिन हमने कहा भी था कि देखें ये वो भी टेस्ट करेंगे कि एक इंटरिम गवर्नमेंट उन्होंने अनाउंस इसलिए किया कि दे विल टेस्ट कि जब अगर ये लोग होंगे तो उस पर क्या रिएक्शन आता है इंटरनेशनल कम्युनिटी का। तो ऑफकोर्स यूरोप का हमने कॉमेंट देख लिया, यूरोपियन यूनियन का चाइना ने वेलकम किया है, कुछ दूसरे कंट्रीज वेलकम कर रही हैं, सो ए मिक्स्ड बैग हमको नजर आ रहा है। तो लेट्स सी हाउ थिंग्स प्रोग्रेस होता है। सो इसके अलावा आई थिंक अब देखना पड़ेगा कि मार्केट में ये जो सेलिंग प्रेशर है स्पेशली लकी सीमेंट में, ये कल भी रहता है नहीं रहता, ये जो इम्पोर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल है इंडेक्स का, ये क्या प्ले में आता है और यहाँ से एक दोबारा छोटी सी बाउंस बैक होती है मार्केट। तो अब लेकिन जो क्रूशियल लेवल्स हो जाएंगे रेजिस्टेंस के वो 46,500, फिर 700 एंड 900, जहाँ से आज मार्केट वापस पलटी है। सो थोड़ा आई थिंक कंसोलिडेशन फेज नज़र आना चाहिए, लेट्स सी लेट्स होप कि यहाँ पे नज़र आए। और नीचे जो अब आज मार्केट और टूटी है, कुछ यहाँ पे बाइंग आए और स्टेबिलिटी आनी शुरू हुआ, बट पॉजिटिव ट्रिगर्स अभी लैग ही कर रहे हैं, लिहाजा अगेन उन्हीं स्टॉक्स पे कॉन्सेंट्रेट करें कि जहाँ पे एट द एक्सपेंस ऑफ रिपीटिंग माई सेल्फ कि जहाँ पे अच्छे डिविडेंड्स अनाउंस हुए हुए हैं, बुक क्लोजर्स करीब हैं और अच्छे रिजल्ट्स जिनके अभी नहीं आए एक्सपेक्टेड हैं, उस पर ऑफकोर्स OGDC भी है, PPL भी है, यहाँ पे हमको डिविडेंड की एक्सपेक्टेशन है, एंड देन ऑफकोर्स दी टेक्सटाइल सेक्टर। जी सही कह रहे हैं, ब्लू चिप्स, द सो कॉल्ड ब्लू चिप्स तो हैव अंडर परफॉर्म द मार्केट ओवर द लास्ट 1.5 ईयर्स, जब से ये हमने रैली देखी थी, देख लें OGDC, PPL और बाकी PSO, और आप इनफैक्ट उठा के देख लें, आई थिंक जो ज़्यादातर म्यूचुअल फंड्स की टॉप 10 होल्डिंग्स होंगी तो उसमें आपको यही स्टॉक्स नजर आएंगे जिन्होंने मार्केट में काफ़ी अंडर परफॉर्म किया है, और बाकी रेस्ट ऑफ द मार्केट सीम्स टू बी टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में। अगेन आज हमने AVN में तेजी देखी, ऑक्टोपस का जो IPO आने वाला है वो उस पर सभी की काफ़ी बुलिश कॉल्स हैं कि जो उसकी अपर लिमिट है ₹40.60 की, उस तक सब्सक्राइब किया जा सकता है और उम्मीद यही है कि यहीं तक स्ट्राइक प्राइस आएगी, तो काफ़ी बुलिश हैं लोग इसकी। तो हमने देखा AVN भी आज अच्छा प्लस बंद हुआ है। सो लेट्स सी अब सुबह तक और क्या खबरें आती हैं एंड फिर हम स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे। वैसे आई थिंक फिलहाल तो मेरी जो मैं स्ट्रैटेजी काफ़ी दिन से बताता चला आ रहा हूँ, आई थिंक पूरा 1.5-2 महीने तो हो ही गए जब से मार्केट ऐसे ट्रेड कर रही है, आई थिंक उसी पर फोकस करें। टिप्स पे मैंने सुबह भी कहा था, अभी भी आई थिंक लकी में चले ठीक है सेलिंग प्रेशर जो है, बट अगर दूसरे स्टॉक्स में भी प्रेशर आता है तो वहाँ हम कह सकते हैं कि थोड़ी एक्यूमुलेशन की जा सकती है और एक जो है एक टेक्निकल रिबाउंड अगर आए तो वहाँ पे आप दोबारा बेच भी सकते हैं। तो उनमें फिलहाल जो है ट्रेडिंग का जहन रखें और छोटे प्रॉफिट्स बुक करें और लिक्विड रहें, एंड लेट्स सी कि कोई कोई पॉजिटिव ट्रिगर्स आने शुरू होंगे तो फिर मार्केट एक स्टेबिलिटी की तरफ आएगी, कंसोलिडेशन की तरफ आएगी, तो फिर वहाँ पे पोजिशंस थोड़ी देखेंगे कि होल्ड की जा सकती हैं या अगेन शॉर्ट ट्रेडिंग ही रखी जाए। सो दैट्स अबाउट इट, हैव अ नाइस इवनिंग, इंशाल्लाह कल सुबह मुलाकात होगी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।